किसी भी जैस किस्म पे आप लोग कोड मिला रहे हो *551#, आप लोगों को आगे से देखने को मिलता है कि भाई आपके नंबर पे हमने ये ऑफर पहले ही लगाई हुई है। तो भाई आप लोग इस प्रॉब्लम को किस तरह फिक्स करोगे, ठीक है? मुझे यहाँ से दिखा सकते हो कि देख सकते हो कि मोजो सर्विस आपके नंबर पे पहले से ही मौजूद है। तो भाई ये प्रॉब्लम क्यों आती है, किस किस को आती है, किस तरह फिक्स की जाती है? सबसे पहले तो भाई जो भी जैस की सिम है, अगर आप लोगों ने 30 दिन बंद की, उसके बाद एक दफ़ा आपने डाली और उसके बाद आप लोग यूज़ कर रहे हो उसको, ठीक है, आप लोग एक दफ़ा ऑफर यूज़ करके 60 दिन के बाद आप लोगों की सिम बंद होगी, तो अगली ऑफर तब लगती है जब 60 दिन गुजर जाएँ और उसके बाद 30 दिन बंद हो, यानी कि आप लोगों का 3 महीने में एक दफ़ा आप लोग ये ऑफर लगा सकते हो। अब आप लोगों के फ़ोन पे ऑफर लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, इसको किस तरह चेक करेंगे? और ऑफर लगाने से पहले आप लोगों ने लोन लेना पड़ता है। आप लोगों के पास अगर बैलेंस है तो 1 रुपीज़ से कम, मतलब 0.01 पैसा आप लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। अभी ऑफर को आप लोग किस तरह चेक कर सकते हो कि आपके नंबर पर लगी हुई है या नहीं लगी हुई, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी लगी हुई है, मैं आपको मैसेज में चेक करा देता हूँ भाई मेरे पास ये ऑफर मौजूद है या नहीं मौजूद। मैसेज में आ जाते हैं, रिफ्रेश भी कर देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है, बैक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मैसेज में उनको चेक करा देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी ऑफर लगा ली थी। इस पर किस तरह आप लोगों ने लगानी है, इस पर मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग उसको भी देख सकते हो अगर आप लोगों को खुद से लगाना नहीं आते। आप देख सकते हो आपको 60 दिन के लिए मुझे मिल चुके हैं ऑलरेडी, बट आप लोगों को मैं स्टेटस चेक करा देता हूँ भाई मेरे को जो मिले हैं वो कब तक है, उसकी वैलिडिटी कब तक है, क्या वो वर्क कर रहे हैं या नहीं वर्क कर रहे हैं। अगर आप लोग यार क्या कर सकते हो कि आप लोग चेक करो कि आपकी उस सिम पे आप लोगों ने इससे पहले तो नहीं लिए, उसके बाद आप लोग ये कोड में डायल करो, क्या आप लोग जैसे ही कोड डायल करोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपके पास MB है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि 0.15 मिनट है, उसके बाद 12 बजे तक मेरे पास 1460 MB इस टाइम मौजूद है और 1600 MB व्हाट्सएप के। अच्छा, ये 3000 MB आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, एक मंथ में 3000, अगले नेक्स्ट मंथ में। तो यार आप लोग ना इस तरह इजीली अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास एक और सिम थी, उस पर भी एरर आ रहा था क्योंकि वो उस पर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ सिम्स अगर आपके पास पड़ी भी हैं तो आप लोग उस पर इंटरनेट ले सकते हो। टेनोर का किस तरह लेना है, यूफोन का किस तरह लेना है, और यूफोन का वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेट इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है, तो आप लोगों को किस तरह लेना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता लग गया होगा किस तरह आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। चेक कर लो इस तरह स्टेटस, आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपके नंबर पे है या नहीं।